नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी रस संप्रदाय के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समक्ष रस की परिभाषा और उसके विविध अंगों का विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। रस के संपूर्ण विवेचन का आधार भरत का प्रसिद्ध सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग आद रस निष्पत्ति। वस्तुतः यह रस का लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी रस में मूलतः रस की निष्पत्ति का जो आख्यान है वो इसी में है। फिर भी यह रस का स्वरूप नहीं कहा जा सकता। रस का स्वरूप हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। रस के स्वरूप का विवेचन भी इसी में निहित है और इसी के आधार पर उसका पल्लवन हुआ है। स्वयं भरत ने भी अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की यानी कि भोजन के रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से साड़व आदि रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थाई भाव रस रूप को प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न उठता है कि रस कौन सा पदार्थ है, तो इसका उत्तर यह है, जिस प्रकार नानाविध व्यंजनों से संस्कृत अन्न का उपभोग करते हुए प्रसन्न चित्त पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार प्रसन्न चित्त दर्शक विविध भावों और अभिनयों के द्वारा व्यंजित वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों से संयुक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए नाट्य के माध्यम से आस्वादित होने के कारण ये नाट्य रस कहलाते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप समोसा लेते हैं। समोसे में एक अन्न है और यानी मैदा, और उसके साथ आलू, नमक, मिर्च, मसाला, तेल आदि सब मिलकर एक भोज्य पदार्थ तैयार हो जाता है और उसको जब हम खाते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। अब इस रस में क्या अन्न है और क्या मिर्च मसाले हैं, तो स्थाई भाव जो हमारे अंदर सभी के अंदर होता है वह अन्न माना जा सकता है, और जो उसमें विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि हैं उन्हें व्यंजन माना जा सकता है, यानी कि जो नाट्य सामग्री है हमारे पास वो व्यंजन माना जा सकता है। व्यंजन से मतलब मिर्च मसाले वगैरह वगैरह। अब प्रश्न उठता है कि जो ये रस होता है ये मनुष्य के अंदर व्यक्ति के यानी दर्शक के सहृदय के जो उस आनंद का रस का उपभोग करता है उसके अंतर्गत होता है या फिर विषय के अंदर होता है। जैसे कि अगर हम समोसे में रस लेते हैं तो वो हमारे अंदर होता है या समोसे के अंदर होता है। माना कुछ लोग मानते हैं कि वो समोसे के अंदर होता है, लेकिन कुछ मानते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर होता है। अगर किसी को नमकीन चीज़ें, मिर्च मसाले की चीज़ें पसंद नहीं है, समोसा वही है लेकिन वो उसका रस नहीं ले पाता, या किसी को मीठा पसंद नहीं है तो वो रसगुल्ले का, लड्डू का, बर्फी का रस नहीं ले पाता, उसका आनंद नहीं ले पाता, तो तब कैसे माना जा सकता है कि रस बर्फी के अंदर या रसगुल्ले के अंदर या समोसे के अंदर है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि रस जैसे भोज्य पदार्थ के अंतर्गत होता है ऐसे ही विषय के अंतर्गत यानी नाटक में होता है, और कुछ मानते हैं कि ये सहृदय यानी कि जो रस का उपभोग करने वाला होता है, प्रमाता होता है, उसके अंदर होता है। भरत के इस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो भरत क्या मानते हैं। भरत के अनुसार नाना भावोपगत स्थाई भाव रस है, और स्पष्ट शब्दावली में अगर हम इसे कहें तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों से संयुक्त और वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय तथा सात्विक अभिनयों से व्यंजित स्थाई भाव रस है। अर्थात रस एक प्रकार की भावमूलक कलात्मक स्थिति होती है जो कवि निबद्ध विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के प्रसंग से नाट्य सामग्री के द्वारा रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है, ऐसा भरत मानते हैं।
उदाहरण हम इस तरह से ले सकते हैं, मान लीजिए कि एक रम्य सुंदर तपोवन के दृश्यों से सुसज्जित रंगमंच पर दुष्यंत और शकुंतला, जिन्हें विभाव बोला जाता है नाट्यशास्त्र के अनुसार, उनका अभिनय करने वाले नट नटी जब वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों के द्वारा अनुभव, व्यभिचारी आदि की अभिव्यक्ति करते हुए रति यानी प्रेम स्थायी भाव को सर्वांग रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो एक रमणीय भावमूलक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो सहृदय प्रेक्षक के चित्त में हर्ष, कुतूहल आदि जगाती है। यह रमणीय भावमूलक स्थिति ही भरत के अनुसार रस है। इसमें कुछ शब्द जिनके अर्थ हो सकता है आप समझना चाहते हो, वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय। तो वाचिक अभिनय जिन्हें हम बोलकर, जो नाटक में जब एक्टिंग हम करते हैं तो जो हमारे शब्द होते हैं वे वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय जिन्हें हम हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग को हिलाकर डुलाकर संकेत करते हैं, और सात्विक अभिनय जो हम खुद नहीं कर सकते, वो अंदर से होते हैं, अपने आप ही होते हैं, जैसे कंपन होना, हम कांप जाते हैं या जड़वत खड़े हो जाते हैं या फिर पसीना हमें आ जाता है, ये सात्विक अभिनय के अंदर आते हैं। और दूसरा इसमें एक शब्द आया है प्रेक्षक। तो प्रेक्षक जो नाटक देखने वाले होते हैं वे प्रेक्षक होते हैं। दरअसल जो नाट्यशास्त्र के जो ग्रंथ है उसमें नाटक देखते हुए जो रस की अनुभूति होती है, जो रस हम लेते हैं, उसी के अंग उपंग का, यानी उसी को रस माना गया और उसी के अंग और उपांगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। रस की यह परिभाषा विषयगत है जो भरत ने दी है, और भरत के विवेचन पर आधारित होने के कारण ही इसको मौलिक भी कहा जा सकता है। लेकिन भरत सूत्र के व्याख्याता जो आगे परवर्ती आचार्य हुए, उनका विवेचन क्रमशः विषयगत होता गया, यानी कि ये जो हम अभी भरत की व्याख्या पढ़ रहे थे, भरत सूत्र को पढ़ रहे थे, तो भरत के अनुसार वो विषय में यानी कि नाटक में था रस, लेकिन जो परवर्ती आचार्य उनकी टिप्पणियाँ और करने वाले जो आचार्य हुए, उनके सूत्र की जो व्याख्या करने वाले हुए, वो इसे धीरे धीरे विषयगत बनाते चले गए, और फिर यह आस्वाद्य से आस्वाद बन गया। आस्वाद्य मतलब जिसका हम स्वाद चख रहे हैं, उससे यानी भोज्य पदार्थ से निकलकर आस्वाद बन गया, यानी कि जो स्वाद है वो बन गया। जैसे शुरू में हमने बताया था रस, जैसे एक नींबू का रस है, तो सबसे पहले नींबू का रस था, उसमें रस था, लेकिन अब खटास को रस कहा जाने लगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस अर्थ परिवर्तन का जो सर्वाधिक दायित्व जाता है वो अभिनव गुप्त पर है। अभिनव गुप्त शैव अद्वैत से प्रसिद्ध आचार्य थे, और उन्होंने अपनी दार्शनिक मेधा के द्वारा रस विवेचन की भी शैव अद्वैत के सिद्धांत में रंग कर व्याख्या की। उनके अनुसार रस का अर्थ है आनंद, और आनंद विषयगत न होकर आत्मगत ही होता है, क्योंकि आनंद व्यक्ति लेगा, सहृदय लेगा, प्रमाता लेगा, जो नाटक को देख रहा है, नाटक आनंद नहीं ले सकता। तो ये कहते हैं कि आनंद विषयगत यानी नाटकगत नहीं हो सकता, बल्कि वो विषयगत यानी जो नाटक का आनंद का उपभोग कर रहा है उसी के अंदर होता है। विषय तो आत्म परामर्श या आत्मास्वाद का माध्यम मात्र है, जिसके द्वारा प्रमाता संविद विश्रांति लाभ करता है। यह संविद विश्रांति ही आनंद है, अतः इस रस नाट्यगत नहीं हो सकता। नाट्य तो संविद विश्रांति रूप रस का माध्यम मात्र हो सकता है। इस भूमिका में रस के आनंदेतर रूप की कल्पना का स्वतः ही निराकरण हो जाता है, यानी कि रस आनंद से अलग चीज है या नहीं है, इस प्रश्न का भी निराकरण हो जाता है कि रस आनंद से अलग चीज नहीं है, बल्कि आनंद ही जिसका उपभोग खुद सहृदय करता रहता है, प्रमाता करता है नाटक देखते समय, उसी के अंदर है और इससे अलग कोई रूप नहीं है। इस व्याख्या का आधार थोड़ा बहुत बदलता रहा,
लेकिन प्रतिपाद्य यानी मूल बात वही रही। अब इसमें हम रस के अंगों का यानी कि जो विभाव अनुभाव संयोग आदि के विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो स्थाई भाव रस रूप को प्राप्त होता है इसके अंगों का अध्ययन कर लेते हैं। रस के इसी जो रस सूत्र नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत के अनुसार दिया हुआ है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात अभिव्यक्ति होती है। इस कथन की व्याख्या में भरत ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थाई भाव इन तीनों तत्वों के संयोग द्वारा रस रूप को प्राप्त होते हैं। अतः उक्त कथन का तात्पर्य यह माना जा सकता है कि सहृदयों का स्थाई भाव, सहृदय यानी कि जो नाटक देख रहे होते हैं उनका स्थाई भाव जब काव्य नाटक में वर्णित विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो यह रस रूप में निष्पन्न यानी अभिव्यक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विभाव आदि तीनों के संयोग को अपन स्थाई का अपर नाम यानी दूसरा नाम ही रस है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो स्थाई भाव है वो सहृदय में परमात्मा में यानी कि दर्शक में जो नाटक को देख रहा होता है स्थाई भाव उसमें होता है और वही स्थाई भाव रस रूप में परिवर्तित हो जाता है जब नाटक में विभाव अनुभाव और संचारी भाव उससे मिल जाते हैं। यानी कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव सहृदय में नहीं होते, वो नाटक में होते हैं जो रंगमंच पर प्रदर्शित होता रहता है, और स्थाई भाव सहृदय में यानी प्रमाता में होता है। इन चारों को रस के अंग कहा जाता है, स्थाई भाव, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अब इन चारों का विस्तार से वर्णन करते हैं, इन चारों को विस्तार से समझ लेते हैं। स्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है और कितनी इनकी संख्या है। जो स्थाई भाव होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर स्थाई भाव पहले से ही होते हैं। स्थाई भाव मुख्य रूप से 9 माने गए हैं और इनकी जो स्थाई भाव 9 होते हैं इन्हीं के आधार पर फिर रस 9 बन जाते हैं। स्थाई भाव यूं तो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होते हैं वासना के रूप में यानी इच्छाओं के रूप में और मनोभावों के रूप में, लेकिन इनकी एक विशेषता होती है कि उनका विरुद्ध या उनका मित्र कोई भी भाव उन्हें दबा नहीं पाता। और जब यह स्थाई भाव उन चारों उनका विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाते हैं तो यही स्थाई भाव जिनकी संख्या 9 है ये रस रूप में परिणत हो जाते हैं। ये रस स्थाई भाव कौन से हैं 9? रति यानी प्रेम, हास यानी हंसी, शोक यानी दुख, उत्साह यानी जोश, क्रोध यानी गुस्सा, भय मतलब डर, जुगुप्सा यानी घृणा और विस्मय यानी आश्चर्य और निर्वेद। ये 9 हमारे स्थाई भाव जो हमारे अंदर हमेशा रहते ही हैं इन्हीं से हमारे 9 रस बनते हैं और इन 9 रसों के नाम हो जाते हैं। प्रेम से यानी रति से श्रृंगार रस बनता है, हास से यानी हासी से हास्य रस, शोक से करुण रस, उत्साह से वीर रस, क्रोध यानी गुस्से से रौद्र रस और भय से भयानक रस, जुगुप्सा से विभत्स रस और विस्मय से अद्भुत रस और निर्वेद से शांत रस। यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं भाव जिन्हें हम अपने साथ गुजरते हुए अपने साथ जब कोई घटना होती है जब हम उन्हें अनुभूत करते हैं तो वे हमारे भाव होते हैं। जब नाटक में कुछ विभाव अनुभाव और संचारी भाव इस स्थाई भाव से मिल जाते हैं जो हमारे अंदर है तो ये फिर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको नाटक के साथ नहीं देखते हैं, हमारे जीवन में वे गुजरते हैं तब ये खाली भाव रहते हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने एक
कुछ घृणात्मक वस्तु पड़ी है, एक कुत्ता पड़ा है, या कोई मर गया है, किसी का कत्ल हो गया और उसका खून सारे में बह रहा है, तो हम उससे घृणा, थोड़ी जुगुप्सा जिसे कहते हैं, वो स्थायी भाव हमारा जागता है। लेकिन वो हमें क्योंकि खुद साक्षात फील हो रहा है तो उसे हम भाव कहते हैं। स्थायी भाव तब इसे माना जाता है और तब ये रस रूप में परिणत होता है जब हम नाटक में विभाव अनुभाव और संचारी भाव उसका संयोग होता है। रस का स्थायी भाव के साथ संबंध अगर हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि स्थायी भाव तो सदा ही हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, जैसे मिट्टी में गंध सदा विद्यमान रहती है, लेकिन जब मिट्टी में पानी का संयोग होता है तो उसमें से एक गंध आती है। और इसी तरह से जब स्थायी भाव अनुभव, स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव का संयोग पाते हैं तो फिर जैसे मिट्टी से गंध आती है ऐसे ही फिर ये रस बन जाते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दूध में अगर थोड़ी सी दही मिल जाती है, थोड़ा खट्टा पदार्थ मिल जाता है, तो वो दही के रूप में बदल जाती है, लेकिन दूध का सिर्फ स्वरूप बदलता है, दूध रहता वही चीज़ है। ऐसे ही स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग होता है तो जैसे दूध दही के रूप में बदल जाता है, ऐसे ही जो हमारा स्थायी भाव है वो दही के रूप में यानी कि रस के रूप में बदल जाता है। इसे हम यह समझ सकते हैं कि सहृदय के अंतःकरण में वासना रूप से स्थित रति आदि स्थायी भाव तभी तक स्थायी भाव कहे जाते हैं जब तक वे विभाव द्वारा चर्व्यमान अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। इस अवस्था में पहुंचते ही उनका नाम रस हो जाता है, अब ये स्थायी भाव नहीं कहलाते हैं। इसके बाद हम आते हैं विभाव पर जो नाटक में वर्णित होते हैं। विभाव किसे कहते हैं? लोक में जो पदार्थ सामाजिक के हृदय में वासना में स्थित रति उत्साह शोक आदि भावों के उद्बोधक कारण है वे काव्य नाटक में वर्णित होने पर विभाव कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक महिला पर अत्याचार हो रहा है और वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, महिला पीड़ित है, तड़प रही है, रो रही है, तो आपके मन में जो स्थायी भाव होंगे वे कितने हो सकते हैं? आपको दुख हो सकता है, दया आ सकती है, तो आपका शोक जो भाव है वो जागृत होता है, तब ये भाव होता है। और अगर क्रोध आता है तब आपका अगर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उनके उस अत्याचार को देखते हुए, और तीसरा आपका वीरता का भाव हो सकता है कि उस जो अत्याचार कर रहा है उसका दमन करने का। अगर ये समाज में हो आपके साथ हो रहा है तो तब तक वो केवल आपका भाव रहेगा, लेकिन जब आप नाटक में देखते हैं कि सीता जो एक स्त्री है उसका अपहरण रावण करके ले जा रहा है, अब आपके सामने वो यथार्थ रूप में नहीं हो रहा है बल्कि नाटक में हो रहा है, तब भी आपके अंदर जो आपके तीन भाव मैंने बताए, आपको दुख हो सकता है, सीता पर दया आ सकती है, लेकिन अगर वो नाटक आप देख रहे हैं तो आपका जो दुख वाला भाव है, शोक भाव है, तो वो आपका करुण रस में बदल जाएगा। यानी कि भाव तो वही रहेगा लेकिन जब क्योंकि वो सब घटना आपके सामने आंखों के सामने यथार्थ में घटित नहीं हो रही है, नाटक के माध्यम से आ रही है, तब आपका वो शोक करुण रस में बदल जाएगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है रावण पर तो वो आपका रौद्र रस में बदल जाएगा स्थायी भाव। और अगर आपको उस अत्याचारी का दमन करने का जोश आपके अंदर आ रहा है तो जो आपका वीरता का भाव है वो वीर रस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वीर रस बन जाएगा, तब वो आपका स्थायी भाव नहीं हो जाता है, रह जाता है। तब तक स्थायी भाव होता है जब तक वो नाटक नहीं होता है, आपके जीवन में यथार्थ रूप में घटित होता है। लेकिन अगर वो नाटक में वर्णित जो विभाव और अनुभाव से संयोग पाता है तब वो स्थायी भाव हो जाता है। अब विभाव कौन है इसमें? इसमें विभाव रावण है, सीता है, और वहाँ की वो परिस्थिति है, और सीता के तड़पने की, चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ है, रोने की
कि जो उसका अभिनय है वो आपके विभाव और अनुभव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम विभाव का अर्थ इस तरह समझ सकते हैं कि विभाव सामाजिक के हृदय में स्थित रति आदि या भय आदि स्थायी भावों को उद्बोधित करते हैं और उनका विभावन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये रस को व्यक्त करने के कारण होते हैं। विभाव दो तरह के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भी दो होते हैं, एक विषय एक आश्रय। विषय को आलंबन भी कहते हैं। काव्य नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक के भय रति आदि स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, रस रूप में परिणत होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे भयानक रस में रावण सीता का अपहरण करने के लिए आता है। रावण की खूंखार दृष्टि को देखकर, वहाँ के सुनसान जगह को देखकर कि कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं है, सीता के मन में जो भय उत्पन्न होता है तो उसमें सीता आश्रय हुई, क्योंकि सीता के मन में भाव उत्पन्न होता है भय का, और रावण विषय यानी आलंबन हुए। तो ये कह सकते हैं कि जिस पात्र के का आलंबन करके रति आदि भाव स्थायी रूप में व्यक्त होते हैं, भय या रति जो स्थायी भाव होते हैं, जिसका आलंबन करके ये अभिव्यक्त होते हैं वो आलंबन, और जिसके मन में होते हैं ये स्थायी भाव अभिव्यक्त वो आश्रय है। जैसे अभी हमने बताया कि भयानक रस में सीता के मन में रावण को देखकर अगर भय उत्पन्न होता है तो सीता आश्रय है, और जिसको देखकर या जिसके प्रति भय उत्पन्न होता है यानी रावण, वो विषय यानी आलंबन। उद्दीपन विभाव होते हैं आलंबन की चेष्टाएं यानी रावण की चेष्टाएं और वहाँ का परिवेश, और उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव, जो स्थायी भावों को यानी कि भय रति आदि जो स्थायी भाव होते हैं जो उन्हें उद्दीप्त करते हैं और उनमें आस्वादन की योग्यता बढ़ाते हैं, और इस प्रकार उन्हें रस अवस्था तक पहुंचाने में सहायक भी होते हैं। तो ये उद्दीपन विभाव भी दो तरह के होते हैं, जैसे आलंबन विभाव दो तरह के विषय और आश्रय होते हैं, ऐसे उद्दीपन विभाव भी दो तरह के होते हैं, एक आलंबनगत बाह्य चेष्टाएँ जैसे कि रावण की चेष्टाएं, रावण का डराना धमकाना या उसकी खूंखार शक्ल और सूरत, और दूसरा बाहरी वातावरण, जैसे कि जब सीता का अपहरण वो करने के लिए आते हैं, वहाँ पर लक्ष्मण नहीं है, राम नहीं है, और भी आसपास कोई ऐसा उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि जो उसे जिससे वो आशा रख सकती है कि वो उसकी सहायता कर सकता है। तो जो बाहरी वातावरण होता है, सुनसान है या रात का वातावरण है, और तब वो उसे अपहरण करते हैं, तो उसके भय को ये चीज़ें बढ़ाती हैं जो बाहरी वातावरण की, सीता के भय को, ये उद्दीपन विभाव में आते हैं। और उद्दीपन में भी दो हो गए, एक आलंबनगत चेष्टाएं जैसे रावण की खूंखार शक्ल सूरत और उसका डराना धमकाना, और एक बाह्यगत वातावरण जो वहाँ का सुनसान परिदृश्य हो सकता है। इसका उदाहरण हम विभावों का उदाहरण हम रति आदि स्थायी भाव में यानी श्रृंगार रस में भी ले सकते हैं। जैसे शकुंतला फूल चुनने के लिए उपवन में गई हुई है और वहाँ पर अचानक दुष्यंत आ जाते हैं। दुष्यंत के मन में जो रति भाव यानी प्रेम भाव जागृत होता है शकुंतला को देखकर, तब क्योंकि दुष्यंत के मन में उत्पन्न होता है भाव प्रेम का, तो वो आश्रय, और शकुंतला के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है तो वो विषय यानी कि आलंबन भी उसे कहते हैं। और जो उद्दीपन विभाव है वहाँ के जो आलंबनगत चेष्टाएँ यानी कि आलंबन इसमें कौन है, शकुंतला, तो शकुंतला का कटाक्ष, भुजा इधर उधर फेंकना
या कुछ भी संकेत जो होगा वो उसका आलम्बनगत चेष्टाएं कहलाएंगी, और जहाँ जो वहाँ का वातावरण है, चिड़िया चहक रही हैं, फूल इधर उधर खिले हुए हैं, सारा वातावरण हरा भरा प्रेम करने योग्य है, या हल्की हल्की बारिश की फुहार होने लगती हैं, तो वो बाह्य वातावरण उद्दीपन हो जाएगा। यानी उद्दीपन के दोनों, एक वातावरण संबंधी और दूसरा आलम्बनगत चेष्टाओं संबंधी। तो विभाव के दोनों हो गए, इसके बाद स्थाई भाव हो गया, विभाव हो गया, उसके बाद आता है अनुभाव। रति आदि स्थाई भावों को प्रकाशित करने के लिए आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं वह अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि जब हमने विभाव की बात की तो विभाव में जो आलंबन की चेष्टाएं होती हैं वे विभाव आलंबन कहलाते हैं, और जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय हमारे उदाहरण में, एक में आश्रय था सीता जो पहला उदाहरण था, और दूसरा जो श्रृंगार रस में, भयानक रस में सीता था, और श्रृंगार रस में हमारा आलंबन थी शकुंतला और आश्रय थे दुष्यंत। तो जो दुष्यंत की चेष्टाएं होंगी आश्रय की, जिसके मन में भाव जागृत हुआ था, वे चेष्टाएं हमारा अनुभव कहलाती है। अनुभव का शाब्दिक अर्थ है रति आदि स्थाई भावों के बाद जो उत्पन्न होते हैं, अनुभावयन्ति इति अनुभव है। आश्रय की बाह्य चेष्टाएं स्थाई भावों के उद्बुद्ध हो जाने के बाद ही उत्पन्न होती हैं। यानी कि आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं वो तभी उत्पन्न होंगी, तभी बाहर निकल कर आएंगी, जब उसका स्थाई भाव जागृत हो जाता है। यानी कि सीता भी अगर रोएगी, चिल्लाएगी, सहायता के लिए पुकारेगी, तो वो तब उसकी चेष्टाएं होंगी जबकि उसमें स्थाई भाव यानी कि भय उत्पन्न हो जाएगा। और दुष्यंत भी तभी कुछ बात करेगा, तभी अपने प्रेम का प्रस्ताव करेगा, या जो भी कुछ करेगा वो तब करेगा जब उसमें शकुंतला के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि अनुभाव, जब स्थाई भावों के बाद जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं उसके मन में जो बाद में भाव आते हैं और तब वो अपने भाव को अभिव्यक्त करता है आश्रय, वो अनुभाव कहलाते हैं। लोक में इसे कार्य कहते हैं। यानी कि भय उसके मन में उत्पन्न हो गया या दुष्यंत के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, तब कहलाता है कि वो कार्य हो गया। यानी कि जिस काम को का होना उसमें दिखाया जाना था वो हो चुका है। अनुभाव के चार रूप माने गए हैं। यानी कि आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो चार रूपों में अभिव्यक्त होती हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक यानी कि जब उसके हाथ पैर जैसे कांपने लगे, नहीं कांपना तो सात्विक में आ जाता है, लेकिन अगर वो अपने हाथ से कुछ भी, हाथ से, पैर से, शरीर से जो भी चेष्टाएं करता है वो आंगिक में आती हैं। जो वाणी से संबंधित चेष्टाएं करता है आश्रय अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, वह वाचिक में, और जो वस्त्र आभूषणों से संबंधित होता है वो आहार्य में, और सात्विक यानी कि जो कंपन, पसीना आना, जड़ खड़े रहना, ये सब सात्विक में आते हैं। और क्योंकि नाटक में ये सारे नाटक में वर्णित होती हैं, तो नाटक में अभिनय के माध्यम से अनुभव व्यक्त किए जाते हैं कि अगर हमारा आश्रय इसमें दुष्यंत है, शकुंतला के नाटक में श्रृंगार रस में, तो दुष्यंत के जो वाणी से कुछ कहेगा, अपने हाथ हिलाकर या कुछ आँखों से संकेत करके जो भी चेष्टाएं करेगा अपने प्यार को अभिव्यक्त करने के लिए, वह आंगिक चेष्टाएं होंगी। वाणी से अपने प्रेम को प्रस्ताव रखेगा तो वो वाचिक चेष्टाएं होंगी, आहार्य जो उसके वेशभूषा से संबंधित होंगी, और सात्विक यानी कि जिसको अपने आप ही शरीर में उत्पन्न होती हैं वे सात्विक चेष्टाएं होती हैं। अनुभाव के इन चारों रूपों में सबसे पहले जो तीन अनुभाव हैं यानी कि आंगिक, वाचिक और आहार्य, ये अनुभाव यत्नज कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें मनुष्य अपने यत्न से, प्रयास से एक्टिंग में धारण कर लेता है। लेकिन जो चौथा हमारा अनुभाव है यानी कि सात्विक आहार्य, इन्हें अयत्नज कहते हैं, क्योंकि आश्रय इनके लिए कोई बाह्य चेष्टा नहीं करता है। ये अंदर से पसीना आता है तो उसे बाहर से कोई चेष्टा नहीं कर सकता,
उसे अंदर से ही पसीना आना है, इसलिए इन्हें अयतनज कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इसके बाद संचारी भाव। संचारी भाव अस्थिर मनोविकार होते हैं और ये विकार आश्रय और आलंबन यानी कि दुष्यंत और शकुंतला में श्रृंगार रस के संदर्भ में और सीता में और रावण में भयानक रस के संदर्भ में आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उन्मग्न और निर्मग्न निमग्न होते रहते हैं। उन्मग्न यानी आना और निर्मग्न मतलब जाना, तो ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। और संचारी भाव का शब्द, संचारी शब्द का जो अर्थ होता है शाब्दिक, वो होता है साथ साथ चलना, क्योंकि ये बाकी जो स्थाई भाव होते हैं उनके साथ साथ चलते रहते हैं, कभी आविर्भूत होते रहते हैं कभी तिरोभूत होते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव स्थाई भावों के सहकारी कारण है, यानी कि उसके साथ साथ चलने वाले कुछ कारण होते हैं, उन्हें रस अवस्था तक ले जाने का काम संपन्न करते हैं, पर स्वयं बीच बीच में ही आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ये संचारी भाव मनोविकार हैं पर शरीर के धर्म नहीं हैं, यानी कि जैसे स्थाई भाव सहजात जन्मजात हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं, हमारे मन में हमेशा रहते हैं, तो ये हमेशा नहीं रहते हैं। यद्यपि मनोविकारों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती संचारी मनोविकारों की, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए संचारी भावों की संख्या 33 निर्धारित की गई है। ये जो संख्या है इनमें जो संचारी भाव हैं इनके नाम हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अभिथ्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। ये 33 संख्या मानी गई है संचारी भावों की। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक स्थाई भाव के साथ विशेष रूप से अभिमुख होकर उसके अनुकूल सहायक बनकर चलते हैं। प्रत्येक स्थाई भाव का रस नियत है, निश्चित है, जैसे शोक का स्थाई भाव करुण रस है, रति स्थाई भाव है, रति स्थाई भाव का रस श्रृंगार निश्चित है, हास का हास स्थाई भाव का रस हास्य निश्चित है, उत्साह का स्थाई उत्साह स्थाई भाव का वीर रस निश्चित है, लेकिन प्रत्येक संचारी भाव का स्थाई भाव निश्चित नहीं है। एक संचारी भाव कई स्थाई भावों के साथ अभिमुख होकर उनका सहायक बनकर चलता है, इसलिए इसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है। स्थाई भाव और संचारी भाव में अंतर यह है कि रति आदि स्थाई भाव तो सहृदय के हृदय में स्थाई रूप से विद्यमान होते हैं, जब वे जागृत होते हैं तो किसी भी विरोधी या मित्र भाव के द्वारा उन्हें दबाया नहीं जा सकता। रस निष्पत्ति पर्यंत, जब तक रस निष्पत्ति होती रहती है, यानी कि अगर प्रेम प्रसंग का कोई नाटक चल रहा है, प्रेम का नाटक चल रहा है, दुष्यंत और शकुंतला का नाटक अगर चल रहा है, तो जब तक विभाव और अनुभाव वहाँ बने रहेंगे, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का स्थाई भाव को यानी कि रति भाव, रति स्थाई भाव है, रति को उनका संयोग मिलता रहेगा, तब तक रस की निष्पत्ति बनी रहेगी, और जब तक रस की निष्पत्ति रहेगी तब तक स्थाई भाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्थाई भाव ही रस रूप में परिणत होता है। लेकिन जो संचारी भाव है निर्वेद, ग्लानि आदि, ये अंत तक स्थिर नहीं रहते, उद्भुत होते रहते हैं और मिटते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, आविर्भूत होते रहते हैं और तिरोभूत होते रहते हैं, इसीलिए ये संचारी भाव कहलाते हैं। यदि स्थाई भाव भी किसी स्थिति में उत्पन्न होकर मिट जाए तो इन्हें हम संचारी भाव कहने लगते हैं, फिर उसे हम स्थाई भाव नहीं मानते। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि स्थाई भाव एक तो उस स्थिति में संचारी भाव कहलाते हैं जब वे बहुत ही क्षीण यानी अशक्त विभावों से उत्पन्न हो, जैसे कामायनी के संघर्ष
सर्ग में मनु और प्रज्ञा के बीच होने वाले युद्ध की विभावादी सामग्री उत्साह को प्रकट करने में अशक्त है, क्योंकि मनु और प्रजा का एक दूसरे को विनष्ट करने का लक्ष्य धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा आदि जैसा महान नहीं है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जो वीर रस हमारा उत्पन्न होता है वो तब होता है जब हम या तो धर्म रक्षा के लिए या राष्ट्र रक्षा के लिए काम कर रहे होते हैं। यानी जो हमारे विभाव हैं उनमें धर्म रक्षा के लिए या राष्ट्र रक्षा के लिए कोई काम होता है, संघर्ष होता है, तभी स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। मनु तेजस्वी और धीर ना होकर दुर्बल रूप में वर्णित किए गए हैं और विवेक भी खो बैठे हैं, इसलिए सारी सामग्री उत्साह को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। वहाँ मनु और प्रजा का उत्साह संचारी भाव कहेगा, ना कि स्थायी भाव। रस का विभाव आदि के साथ क्या संबंध है? लौकिक कारण कार्य और सहकारण यानी कि सहचारी भाव को काव्य नाटक के अंतर्गत क्रमशः विभाव यानी कारण को विभाव कहते हैं, कार्य को अनुभव कहते हैं और संचारी के नाटक के अंतर क्रमशः विभाव को कारण कहते हैं, अनुभव को कार्य कहते हैं और सहकारी कारणों को संचारी भाव कहते हैं। क्योंकि अब ये व्यक्तिगत संबंध छोड़कर सार्वकालिक और सार्वदेशिक रूप धारण कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो सहृदय होता है उसे रस की अनुभूति तभी होती है जब उसमें जो वर्णित पात्र होते हैं विभाव या आलंबन या आश्रय या उद्दीपन, वो उसके ना तो अपने होते हैं ना ही पराये होते हैं, बल्कि सर्वदेशी सर्वकालिक हो जाते हैं, तभी वो रस की अनुभूति करता है। अगर उसमें वर्णित काव्य में वर्णित या नाटक में वर्णित पात्रों से वो अपना निजी संबंध बना लेता है या दूसरे से उनका संबंध स्थापित कर लेता है तो उसे रस की अनुभूति नहीं हो सकती। उसे रस की अनुभूति एक ही शर्त पर हो सकती है, जब काव्य में वर्णित पात्र ना उसके अपने हो ना उसके पराये हो, यानी कि उसको ये ज्ञान ना हो कि ये अपने हैं या पराये हैं। अपने पराये का और देश की और समय की सीमाओं से अलग जब हो जाते हैं वे पात्र, तभी वो उसकी विभाव अनुभाव जब से उसके जो स्थायी भाव है वो रस रूप में परिणत हो सकता है। अगर उसने अपने पराये का संबंध वहाँ बनाए रखा या किसी देश या किसी समय से उन्हें बांध कर रखा तो उसे उसका जो स्थायी भाव है वो रस रूप में परिणत नहीं हो सकता है।